इस क्वेश्चन में आपको e की पावर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये तो सीधा सा इंटीग्रल है, हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, और उसमें x अगर लीनियर सब्सटीट्यूटेड है, मतलब किसी लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b से सब्सटीट्यूटेड है, तो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल से ही हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे 1 बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, फॉर्मूला जैसा देख सकते हैं आप कि e की पावर ए एक्स प्लस बी का क्या इंटीग्रल होगा, तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये कोई आपका बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो 1 बाई टू ई की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा प्लस सी, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको चलिए देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर e की पावर कुछ भी दिया है ना, कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो जो भी आपका पार्ट दिख रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, e जो है 2x प्लस 3 का फंक्शन है, तो हम इसी को t एज्यूम कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब यहाँ से dx क्या लिख लोगे आप, dt बाई 2 लिख लोगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इंटीग्रल को। तो e और 2x प्लस 3 dt था हमारा यहाँ से, और dx को क्या लिख दें, dt बाई 2 लिख दें, dt बाई 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर t dt, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना, ये तो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। तो 1 बाई 2 e की पावर क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा प्लस c। डमी वेरिएबल में आंसर छोड़ना नहीं है, तो t को रिप्लेस कर दीजिए, t क्या था आपका 2x प्लस 3। तो ये तो क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी इसको, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहला ही तरीका अपनाओगे, ठीक है।